ऊपर की तरफ जाए। किसी ने सवाल किया, असर की नमाज के बाद झाड़ू अक्सर बड़े मारते बांधने नहीं देते। देखिए, असर के बाद झाड़ू नहीं देना, रात में झाड़ू नहीं देना, क्यों? ये तोहा में इससे शैतान आता, इससे नहुसत आती, इससे चोरियां भी होती रात में अगर झाड़ू देते, तो लिहाजा असर के बाद झाड़ू नहीं देते हैं। ये तोहा में इसकी कोई नाखून नहीं काटते हैं, और अल्लाह रहम करे, तोहा में तो बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत सी बार गैर मुस्लिमों को मुसलमान तोहा सिखाते। एक मरतबा मैं एक लाइन में लगाए, मेरे पीछे गैर मुस्लिम खातून खड़ी है, MBBS का वो चल रहा था सिलेक्शन, और उसमें लाइन में था, मैं भी खड़ा हुआ, पीछे खातून खड़ी थी, मैं किसी और के लिए खड़ा था, पीछे खातून खड़ी थी, नॉन मुस्लिम थी, उसके पीछे एक मुस्लिम खातून और उसकी बेटी भी थी, मतलब वो माँ बाप के साथ थी, ये अकेली थी, मैं अपनी बहन के लिए गया था। तो लाइन में जब लगे तो उसको छींक आ गई एकदम, बस नंबर आने पे मैं, मतलब मैं जाऊँगा उसके, तो हो जाएगी छींक आते ही, ये तो जो हुआ हुआ, पीछे हमारे मुसलमान बहन छींक आ गई, तुम कब सच्चा नहीं दिख रहा तुम्हारा। अब वो पहले गैर मुस्लिम बेचारी बुत परस्त, अच्छा आंटी ऐसा होने वाला है क्या, हाँ छींक ले लिया तुमने, एक अहम काम से पहले छींक, बहुत ये रहता, तुमको सिखाया नहीं क्या, बोले तुमको कोई ऐसे संस्कार नहीं दिखे छींक से क्या होता, आई भी तो नहीं लेना तुमने, अल्लाह रहम करे बोले बच्ची पे। और अब वो मुस्लिम औरत आगे वालों छींक ली इसने लाइन में छींकली, नंबर आ रहा था, और वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस। हम सिखा रहे लोगों को तो आम करो रे, तुम तो आम क्यों नहीं कर रहे, हम तो ये होना चाहिए उसने छींक कर कहे कि आंटी मैंने छींक ली, को बुरा तो नहीं बेटा, करने वाली जात अल्लाह की है, कुछ नहीं होता, लगे रहो। हम शिरक सिखा रहे, हम तवहाम सिखा रहे, हम बिदअतें सिखा रहे लोगों को, ये तो हाल हमारा हो चुका। तो बहरहाल ये तवहाम है, असर के बाद झाड़ू नहीं देना सीखो, मैंने साफ सफाई तो इस्लाम का हिस्सा है, जब जरूरत पड़े दीजिए 10 बार दीजिए, ठीक है। आगे उन्होंने कहा, फजर की नमाज पढ़कर